दोस्तों वेलकम बैक टू हरी व्लॉग। जो न्यू दोस्त हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारी ये थोड़ी सी, क्योंकि वीडियो लाइक करने से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरों तक भी आसानी से पहुंच जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज संडे का दिन है और रमा पीर का उत्सव है, तो मौका मिल गया हमें भी व्लॉग बनाने का, क्योंकि आज हम गए हैं रमा पीर के मंदिर। हमारा गांव है, छोटा सा विलेज गांव पुनहुलवारी, ये झुटू से करीब है बिल्कुल। तो वहाँ पे रामा पीर का मंदिर है, गांव में दो तीन मंदिर हैं लेकिन ये करीब है। तो हम आज यहाँ पे गए हैं क्योंकि रामा पीर का आज उत्सव का दिन है। तो रामा पीर खुद एक कृष्ण भगवान का अवतार हैं, 14वीं सेंचुरी में प्रकट हुए थे। ये उत्सव हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है और इस साल थोड़ा कम पैमाने पर, कम तादाद पे, क्योंकि कुछ हालात मुल्की और माली हालात बेहतर नहीं है, जैसे कि मुल्क के हालात हैं। ये उत्सव है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लोगों के पास, कम्युनिटी के लोग यहाँ के जो मंदिर के लोग हैं, गाँव में मंदिर है, यहाँ के सत्संग भगत ये सत्संग अभी शुरू कर रहे हैं। तो आप कुछ लाल के सत्संग सुनाते हैं, एक भजन सुने, चलते हैं रामा पीर के मंदिर में। ये है रामा पीर का मंदिर यहाँ पे, और ये बाबा रामदेव खुद बैठे हैं। तो घोड़े लियो मंगवाए गए, मैंने हमारी राह घोड़े लियो मंगवाए गए, वही भजन और वही घोड़ा उसके बैठे हैं। ये माता की तस्वीरें हैं, माता माँ लक्ष्मी, और ये शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, वो भी इस मंदिर में। ये शिव शंकर भोलेनाथ जो सबसे बड़े गॉड, ये इसकी तो महिमा आप खुद ही जाने। शिव भोलेनाथ बड़े ही भोले होते हैं। और बाकी ये है पूजा पाठ की जगह, यहाँ पे आरती वगैरह शाम को और सुबह में आरती और अगरबत्ती वगैरह दिया वगैरह किया जाता है। ये कुछ पाठ किताबें हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और हम अंदर से अब तो बाहर हैं, फिर पूजन का बंदोबस्त है आते हैं। अभी खैर पूजन क्या हो गया, इससे पहले कि पूजन हम खाएं उससे पहले एक भजन सुनते हैं, और भजन अच्छा है भोजन से, उसके बाद भोजन भी अच्छा होता है क्योंकि पेट लाजमी। तो सुनते हैं भजन भगत वसायो के मुंह से, भगत वसायो के आप कहते हैं। देखो ना,
أنا أشتغل على كتون دمي.